देश और प्रदेश में श्रद्धा पूर्वक मनाया गया गुरु तेग बहादुर सिंह का 400वां प्रकाश पर्व। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को दी प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं, कहा वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ते ही टीकाकरण अभियान में लाई जाएगी तेजी। प्रदेश के 9 जिलों में लगाए गए सप्ताहांत लॉकडाउन की हो रही पालना, केवल आवश्यक सेवाओं को मिल रही है छूट। और देश में अब तक 15 करोड़ से अधिक लोगों का हो चुका है टीकाकरण। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 3,86,000 से हुई अधिक। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। सिख समुदाय के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह जी की आज जयंती है। कोरोना महामारी के कारण वर्चुअल माध्यम से 400वां प्रकाश पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में मत्था टेक कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरु तेग बहादुर जी को उनके 400वें प्रकाश पर्व पर श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया कि श्री गुरु तेग बहादुर ने मानवता को दमन से बचाने की लड़ाई में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसके लिए वो हमेशा अमर रहेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि गुरुवाणी में शामिल गुरु तेग बहादुर की रचनाएं सभी को प्रेरित करती हैं और लोगों को उनमें दी गई शिक्षा को अपनाना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाशोत्सव पर पंचकुला स्थित गुरुद्वारा नाड़ा साहिब में माथा टेका और वाहेगुरु से देश व प्रदेश से कोरोना महामारी को दूर करने की अरदास की। प्रकाशोत्सव सारे देश बड़े धूमधाम नाल मनाया जा रहा है। ये अड़ गल है कि कोरोना ने इस बीमारी ने सारे देश नूं घेर रखा है, उहदा प्रभाव इत्थे भी है। लोगों का आना जाना बहुत बार घट होया है और ये कोरोना की बीमारी फैलने में रुके, यो ही मैं अरदास की है। और मैं मन के चलना कि अज वाहगुरु जी इस अरदास मन के साड़ी इच्छा पूरी कर। मुख्यमंत्री ने कहा कि उड़ीसा से ऑक्सीजन की स्पेशल ट्रेन आज प्रदेश में पहुंच चुकी है और आवश्यकता व मांग के अनुसार अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि सबसे पहले गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत व एनसीआर के अन्य प्रभावित जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज कोविड-19 वैक्सीन की कुछ खेप प्रदेश में पहुंची है। उन्होंने बताया कि वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ते ही टीकाकरण अभियान में भी तेजी लाई जाएगी। कोटा जो बढ़ा था वो आज ही ट्रेन उसकी पहुँच गई है और उसकी जहाँ जहाँ बहुत अधिक कमी है, पहले वहाँ वहाँ भेज रहे हैं। गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, बड़े शहरों में जो कमी है, और फिर वहाँ का जो कोटा बचेगा गुरुग्राम का, फरीदाबाद का, बाकी हरियाणा में उसको डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे। नेशन के टीके भी आज कुछ आए हैं लेकिन अभी कम मात्रा में आए हैं। जितना और ज़्यादा आ जाएंगे तो उनको बड़ी तेज़ी से वैक्सीनेशन जो है वो हम जो है उसको इंजेक्शन लगवाएंगे। पंचकूला के गुरुद्वारा नाड़ा साहिब में गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाशोत्सव श्रद्धा और उल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा प्रबंधक ने देश विदेश में बसे सभी सिख समुदाय को बधाई दी और बताया कि आज पंचकूला व आसपास के क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर मत्था टेका व गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते नाड़ा साहिब की प्रबंधन समिति द्वारा गुरुद्वारे में प्रशासन द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन किया गया। फतेह धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400 साल प्रकाश पुरब दिया सारियां सारिया संगतों लख लख बधाइया हो जी। गुरद्वारा साहब भी जिमें लंगर के दरबार साहब के समाजिक दूरी बना के रखने भी सेवादार बैठे ने, पूरी जेडे कानून की पालना करके ही सारी संगतान सारी संगतान लंगर बिठाया जाता। सारिया संगतान भी अपील करते हैं जो ये महामारी है उन्होंने देखते दे हुए अपनी समाजिक दूरी ते मास्क वगैरह आदि ला के रखन जी। वाहेगुरु जी का खालसा। गुरुद्वारे में आए श्रद्धालुओं ने बताया कि गुरु तेग बहादुर ने जिस प्रकार मानवता को सच्चाई के साथ जीने की प्रेरणा दी थी वो आज के संदर्भ में पूरी तरह प्रासंगिक है।
आज कोरोना काल के दौरान भी हम कोरोना प्रोटोकॉल को अपनाकर न केवल अपने बल्कि दूसरों के जीवन को बचाने में सहायक हो सकते हैं। पिछले 25-26 सालों से हम गुरुद्वारा नाडा साहब से जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है हम आज जो भी हैं इस गुरुद्वारे की देन है और आज हम 400 साल गुरु तेग बहादुर जी का मनाने आए हैं गुरुद्वारे में, उनका प्रकाश पूर्व मना रहे हैं, संगतें आई हुई हैं। इंसान की ज़िंदगी में चाहे सुख आए चाहे दुख आए, उसको अपने गुरु का घर नहीं छोड़ना चाहिए, उसको उस पर गुरु पे विश्वास होना चाहिए कि मेरा गुरु समर्थ है, मेरा गुरु पूरा है। आप सभी को प्रकाश गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व की लख लख बधाई हो जी। जिस प्रकार गुरु तेग बहादुर जी 9वें गुरु थे और जिस प्रकार उनके इतिहास में उनकी हिस्ट्री है, ह्यूमैनिटी, फेथ, डिग्निटी के साथ, एक सच्चाई के साथ उन्होंने ये जीना सिखाया था। जो भी महामारी चल रही है उसको हमने ध्यान में रखते हुए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य प्रोटोकॉल जो कि सरकार द्वारा कहे गए हैं उस सबको हमने फॉलो करना है। अपना तो ख्याल रखना, साथ के साथ औरों का भी ख्याल रखना है। आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा है। गुरु साहब ने हमारे लिए बहुत शहादत दी है। गुरु साहब ने हमारे लिए, उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है कि आज यहाँ पर आकर हमें बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है उनके लिए। कोरोना महामारी के चलते प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के 9 जिलों में लगाया गया सप्ताहांत लॉकडाउन जारी है और प्रशासन द्वारा इसकी पालना सख्ती से करवाई जा रही है। सिरसा जिले में आज सभी जगह दुकानें बंद रही और पुलिसकर्मी वीकेंड लॉकडाउन के नियमों की पालना कराने के लिए जगह जगह पर नाके लगाकर लोगों को जागरूक करते नजर आए। SDM जयवीर यादव ने बताया कि नियमों की पालना नहीं करने वाले लोगों पर प्रशासन द्वारा सख्ती भी की जा रही है। नंबर ऑफ केसेस हैं कोरोना के, वो इंक्रीज हो रहे हैं, उसी कारण जो वीकेंड लॉकडाउन लगाए गए हैं कि लोगों की भीड़ ना बढ़े और जो एसेंशियल कमोडिटीज़ की जो दुकानें हैं वो खुली हैं और उनमें भी हमने यही कहा है कि जो होम डिलीवरी है उसको प्रेफर करें, होम डिलीवरी ही करें। केमिस्ट की तो वही टाइमिंग है, 9 बजे तक, रात 9 बजे तक है। पेट्रोल की भी जो पंप है उनकी भी वही टाइमिंग्स हैं और जो सब्जी की है, फ्रूट्स की हैं, उनकी हम होम डिलीवरी ही सुनिश्चित करें। नहीं, हमारी पूरी टीम मैदान में है और जो भी अननेसेसरी जिनकी भूमिका है उनको रोका जा रहा है, सख्ती की जा रही है। यातायात थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने बताया कि सप्ताहांत लॉकडाउन के चलते कोई भी बेवजह सड़कों पर नहीं घूमे, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और लोगों से घरों में ही रहने की अपील की जा रही है। शहर के अंदर सभी जगह नाके लगाए हुए हैं, जहां भी उचित लगे वहां नाके लगाए हुए हैं। यहाँ घोड़ा चौक पे उड़ा सेक्टर की तरफ रोड जाता है, यहाँ भी नाका लगाया हुआ है। बस स्टैंड पे लगाया हुआ है और भूमरशाह चौक पे लगाया है और परशुराम चौक पे, पूरे शहर के अंदर नाकाबंदी की गई है और लोगों से अपील की जा रही है कि भी वीकेंड का लॉकडाउन है, पहले उनको समझाया जा रहा है और वापस उनको घर भेजा जा रहा है। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के लगभग 4 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। साथ ही पिछले 24 घंटों में 2,99,988 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना मृत्यु दर घटकर 1.11% हो गई है। देश में अब तक 15,48,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले 97,562 हो गए हैं और कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 3,86,200 हो गई है। रिकवरी रेट 79.14% और मृत्यु दर अब 0.86% हो गई है। प्रदेश में अब तक कुल 38,13,274 व्यक्तियों का टीकाकरण हो चुका है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि गंभीर रूप से विकलांग, संवेदनशील व्यक्तियों, उच्च रक्तचाप, हृदय या फेफड़ों की बीमारी, कैंसर और अन्य दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को ड्यूटी के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ये फैसला नियमित, अनुबंधित, आउटसोर्स्ड, दैनिक वेतनभोगी, एडहॉक और आवश्यक सेवाओं में लगे सभी कर्मचारियों पर लागू होगा। आवश्यकता पड़ने पर ऐसे कर्मचारी घर से काम कर सकते हैं। ये छूट अगले आदेशों तक जारी रहेगी। डीडी न्यूज हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं।
आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है। श्रमिकों के योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए ये दिवस विश्व भर में मनाया जाता है। इसे मई दिवस भी कहते हैं। ये दिन आर्थिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त करने में श्रमिकों के बलिदान के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक गाय राइडर ने श्रमिकों, नियोक्ताओं, सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सबके लिए न्याय और गरिमापूर्ण कार्य संस्कृति सुनिश्चित करने के लिए आह्वान किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने श्रम दिवस पर श्रमिकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण के आधार स्तंभ हमारे श्रमिकों को श्रमिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत को मजबूत एवं सशक्त बनाने में आपका योगदान अतुलनीय है। नारनौल जिले के किसानों ने फसल बिक्री के बाद 72 घंटे के अंदर भुगतान सीधे बैंक खाते में आने पर प्रदेश सरकार का आभार जताया है। किसानों ने कहा कि उनकी फसल का पैसा सीधे उनके खाते में भेजे जाने से किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका खत्म हो गई है। जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निरीक्षक विजय पाल ने बताया कि किसानों को बगैर किसी देरी के खरीदी गई गेहूं का भुगतान सरकार द्वारा उनके बैंक खातों में किया जा रहा है। परचेज है हमारे डिपार्टमेंट की, जिसकी हम कल पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने में किसी स्तर पर कोई देरी नहीं हुई है। ये हमारी सरकार की एक अच्छी उपलब्धि है। कोई समय पे ही पेमेंट की है, कोई ब्याज नहीं दिया, बढ़ता भी नहीं, और कोई किसान की पेमेंट के बारे में कोई शिकायत कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई। किसानों ने कहा कि अब उनको फसल भुगतान के लिए आढ़ती के चक्कर काटने नहीं पड़ते और उन्हें बिचौलियों से भी मुक्ति मिली है। भुगतान जल्दी मिलने से उन्हें अगली फसल की तैयारी और अपनी जरूरतों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। बेहतर घंटों में मिलगी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया काम कर रही है, बिल्कुल खुश एकदम, बहुत बढ़िया खुश है। गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया काम कर रखा है। आपकी सरकार ने गेहूँ की खरीद के ऊपर टाइम पर भुगतान किया है, इससे हम संतुष्ट हैं। सरकार को लेकर ये कहना चाहेंगे, सरकार ऐसे ही खरीद करती रहे, दिक्कत ना आए कोई जमींदार को। सरकार खरीद कर रही है और बेहतर घंटे में पेमेंट कर रही है, इसकी खरीद सरकार की खरीद से बहुत खुश है। जो सरकार ने गेहूं की खरीद की है उससे हम बहुत खुश हैं। बेहतर घंटे में पैसे दे रही है, बढ़िया समर्थन मूल्य मिल रहा है। और जो सरकार ने गेहूँ की जो खरीद की पॉलिसी बनाई है वो जमींदार के लिए बहुत बढ़िया है। बेहतर घंटों में उनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। और बाकी सरकार की जो नहरी पानी की है वो भी बढ़िया पॉलिसी है। प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार ने हरियाणा का ऑक्सीजन कोटा 25 मीट्रिक टन बढ़ा दिया है और अब प्रदेश का ऑक्सीजन कोटा बढ़कर 257 मीट्रिक टन हो गया है। अतिरिक्त ऑक्सीजन का कोटा लाने वाले ऑक्सीजन टैंकर भी आज प्रदेश में पहुंच गए हैं और उम्मीद है कि इन टैंकरों के पहुंचने के बाद पर्याप्त ऑक्सीजन होगी। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश और प्रदेश में श्रद्धापूर्वक मनाया गया गुरु तेग बहादुर सिंह का 400वां प्रकाश पर्व। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को दी प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं। कहा, वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ते ही टीकाकरण अभियान में लाई जाएगी तेजी। प्रदेश के 9 जिलों में लगाए गए सप्ताहांत लॉकडाउन की हो रही है पालना, केवल आवश्यक सेवाओं को ही मिल रही है छूट। और देश में अब तक 15 करोड़ से अधिक लोगों का हो चुका है टीकाकरण। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 3,86,000 से हुई अधिक। सभी दर्शकों से अपील है कि कोरोना संबंधी सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ बार बार धोएं और मास्क हमेशा पहने। नमस्कार।